हेलो गाइस, आप देख रहे हैं बीएस रिव्यूज। तो फाइनली इस दिवाली पर होने वाला है वन ऑफ द बिगेस्ट क्लैश ऑफ बॉलीवुड हिस्ट्री, वो भी अजय देवगन सर की आने वाली मच अवेटेड मोस्ट अवेटेड मूवी सिंघम अगेन, जो कि थिएटर्स को स्टेडियम में बदलने वाली। और दूसरी तरफ कार्तिक आर्यन की आने वाली मच अवेटेड मोस्ट अवेटेड मूवी भूलभुलैया 3, जो कि एक हॉरर कॉमेडी मूवी है। तो यहाँ पर इन दोनों मूवीज के दरमियान 22 अब दिवाली पर क्लैश होने वाला है। और दोनों ही मूवीज का इस टाइम पब्लिक के अंदर काफी अच्छे लेवल पर हाइप देखने को मिला। पब्लिक दोनों ही मूवीज को देखने के लिए बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है। लेकिन यहां पर अगर बात करें इन दोनों मूवीज की, तो भाई साहब यहां पर जो अजय देवगन सर के फैंस हैं और कार्तिक आर्यन के फैंस हैं, इनके बीच बहुत बड़ी जो फैन वार है वो देखने को मिल रही है इस टाइम एक्स के ऊपर। यस, यानी कि यहां पर जो कार्तिक आर्यन के फैंस हैं वो पूरे तरीके से भाई साहब भूलभुलैया 3 को सपोर्ट कर रहे हैं और सिंघम अगेन मूवी की नेगेटिविटी कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आप सभी को पता है कि जो अजय देवगन सर के फैंस हैं वो सिंघम अगेन मूवी को पूरे तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और दूसरी तरफ भूलभुलैया 3 की नेगेटिविटी कर रहे हैं। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि जो फैन वार है वो भाई साहब बहुत ही बड़े लेवल पर देखने को मिल रही है। तो दोस्तों, ये जो फैन वार है क्या होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, और यहां पर इन दोनों मूवीज का क्रेज किस लेवल का है फैंस के दरमियान, फुल डिटेल में बताने वाले हूं। लेकिन उससे पहले जितने भी अजय देवगन सर के फैंस है, कार्तिक आर्यन के फैंस है, भाई साहब वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ताकि आप ऐसी अपडेटेड वीडियोस को देख सको। तो फिर यहां पर सबसे पहले तो आप मुझे बताओ कि आप किस मूवी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले हैं। तो यहां पर अगर बात करें भाई साहब फैन वार की, तो आप सभी को पता है कि जब भी दो बड़ी मूवीज का आपस में क्लैश होता है तो जो फैन क्लब्स होते हैं उनके दरमियान हमें वार 110% देखने को मिलती है। यस, यानी कि यहां पर आप सभी को पता है कि मैं सबसे ज्यादा एग्जांपल देता हूं सलार वर्सेस डंकी के क्लैश की। यस, यानी कि दोनों बड़ी मूवीज थी, बड़े स्टार्स की मूवीज थी और दोनों ही फैंस क्लब ने भाई साहब एक दूसरे की मूवी की बहुत ज्यादा नेगेटिविटी की थी और भाई साहब पूरे तरीके से एक्सपोज भी किया था। तो यहां पर जो फैन वार होता है वो जब क्लैश होता है जरूर देखने को मिलता है। और यहां पर जो फैन वार है भाई साहब होना भी चाहिए, क्योंकि अपने स्टार को सपोर्ट करना कोई गलत नहीं है। अगर जो अजय देवगन सर के फैंस है वो अजय देवगन सर को सपोर्ट करें तो भाई साहब इसमें कोई भी बुराई नहीं है। और दूसरी तरफ जो भूलभुलैया 3 के फैंस है वो अगर भूलभुलैया 3 को सपोर्ट करें तो भाई साहब इसमें कोई भी नेगेटिविटी नहीं है, ना ही कोई भाई साहब आप कह सकते हैं कि कोई गलत चीज है। लेकिन यहां पर अगर बात करें तो मूवीज वही बॉक्स ऑफिस पर चलती हैं जिनका भाई साहब पब्लिक को कंटेंट पसंद आता है। यानी कि यहां पर अगर सिंघम अगेन मूवी पब्लिक को पसंद आती है तो भाई साहब ये मूवी बॉक्स ऑफिस पर अच्छा तगड़ा कलेक्शन करेगी। अगर भूलभुलैया 3 पब्लिक को पसंद आती है और सिंघम अगेन पसंद नहीं आती तो यहां पर भूलभुलैया 3 तगड़ा कलेक्शन करेगी। तो यहां पर आप कह सकते हैं जो कलेक्शन होता है वो फैंस के ऊपर नहीं होता, कलेक्शन जो होता है वो न्यूट्रल ऑडियंस के ऊपर होता है। और भाई साहब जो मूवीज के रिव्यूज होते हैं, मूवी का कंटेंट होता है उसके ऊपर होता है। अगर कंटेंट किसी भी मूवी का अच्छा निकल कर आता है तो वो मूवी बॉक्स ऑफिस पर चलती है। लेकिन यहां पर अगर बात करें दोनों मूवीज की हाइप की, तो भाई साहब इस टाइम बुक माय शो के ऊपर सिंघम अगेन मूवी के 32,000 प्लस इंटरेस्ट है, यानी कि 32,000 से ज्यादा इंटरेस्ट है। और दूसरी तरफ जो भूलभुलैया 3 मूवी है इसके 29,000 इंटरेस्ट है, यानी कि 29,000 मूवी के बुक में शो पर इंटरेस्ट है। तो यहां पर आप कह सकते हैं कि बुक में शो पर तो आप कह सकते हैं कि भाई साहब सिंघम अगेन की इंटरेस्ट ज्यादा है, लेकिन यहां पर जो दोनों मूवीज है इनसे अभी कोई भी ऑफिशियल कंटेंट नहीं आया, जिसकी वजह से हम सब कहेंगे कि भाई साहब इन दोनों मूवी का हाइप बहुत ही तगड़ा देखने को मिला। दोनों ही मूवीज के फैंस का भाई साहब पूरे तरीके से एक्टिव है और आने वाले समय में जब इन दोनों मूवीज से कॉन्टेंट आएगा, चाहे वो टीजर है, पोस्टर है, ट्रेलर है, तो भाई साहब उसके बाद जो असली हाइप होगी, क्योंकि कॉन्टेंट जब तक पब्लिक नहीं देखती तब तक जो न्यूट्रल ऑडियंस होती है फैंस तो सपोर्ट करते हैं कंटेंट जिस तरीके का भी आए, चाहे कंटेंट अच्छा है या बुरा है, लेकिन फैंस सपोर्ट करते हैं। लेकिन जब कंटेंट निकल कर आता है, पब्लिक को पसंद आता है, जो न्यूट्रल ऑडियंस होती है वो तब मूवी से जुड़ती है। तो यहां पर अगर भूलभुलैया 3 का टीजर आएगा या फिर सिंघम अगेन मूवी का टीजर आएगा तो दोनों में से जो अच्छा टीजर होगा, जो तगड़ा टीजर होगा, जो पब्लिक को पसंद आएगा, उस मूवी का क्रेज ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो यहां पर जो फैन वार है भाई साहब ये होनी चाहिए। मैं खुद कहता हूं कि जो फैंस होते हैं वो अपने स्टार को सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो दोस्तों, फाइनली यहां पर फैन वार काफी बड़े लेवल पर देखने को मिल रही है और जैसे जैसे ये कंटेंट इस मूवी से निकल कर आएगा, ये जो फैन वार है भाई साहब हमें और भी बड़े लेवल पर देखने को मिलेगी। तो दोस्तों, आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है किस मूवी को फर्स्ट डे फर्स्ट शो देखने वाले हैं, हमें कमेंट करके सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी डिटेल्स को देख सकें।